हो गया सर। सीटी में अपने जनसमाज में कोई ना कोई लड़का खड़ा हो गया, उन्होंने बताया और बहुत अच्छी तरीके से इकट्ठी हो रही, लेकिन सीटी का जो सबसे लास्ट केस बसा है, सीटी हो गया, कुरुसी की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, पेपर शुरू हो गए, लेकिन जो सोशल अपील के जो नंबर थे वो सिर्फ 1.5 लाख लोगों के लिए चेक करनी है, जैसे सिंगल बेंच ने कहा गया एलपीए में चली गए, तो क्या हम फिजिकली ये वेरीफाई उसमें लिखा गया फिजिकली पॉसिबल नहीं है, चेक नहीं कर सकते, क्या ये चेक करके नहीं देखिए इसका एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो बन जाना चाहिए था, शायद उसमें कोई कमी रही होगी। अभी तो जो अपने आप डिक्लेयर करता उसी को मान लेते हैं, और मानने के बाद फिर जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो तब उससे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेते हैं। अगर उस समय डॉक्यूमेंटल प्रूफ देने में सक्षम हो गया तो उसकी नौकरी पक्की हो जाती है, और जो उस प्रूफ को नहीं दे पाता तो वो अपने आप बाहर हो जाता है। तो ये रिस्क लेकर के ही कोई अपनी नौकरी अपनी आके एग्जाम देता है कि मैं गलत डिक्लेरेशन कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। जितने लोगों ने भरा था फिर उन्होंने एक मौका दिया आयोग ने कि भी जो इसको विड्रा करना चाहता है विड्रा कर ले। बहुत लोगों ने इसे विड्रा भी किया कि नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी, क्योंकि नए नए सिस्टम है उसमें से बहुत बच्चे जो है इसको लाभ लेने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो उन्होंने विड्रा कर लिया। फिर भी प्रोसेस यही है कि अगर कोई गलत जानकारी दे करके सिलेक्ट होता है तो सिलेक्शन के बाद उसको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ेगा और अगले कुछ साल तक वो मैंने बताया ना आगे तुम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय इतने बड़े संख्या में सबको दोबारा से फिजिकल वेरिफिकेशन करना शायद पता नहीं आयोग देख सकता है, आयोग कर सकता है, वो आयोग कर सकता है, आयोग की कितनी ताकत है। चलिए।